पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। दिन के टाइम तो रोड बिल्कुल सुनसान रहते हैं, हमारे कुत्ते भी डर जाते हैं रोड पर। पेश है आप सभी के लिए लुप्लुपाती गर्मी में एक मिनट में 100 खबरें धड़ाधड़। पूरा उत्तर भारत पूरी गर्मी के लपेटों से चपेट में जल रहा है। धूप आजकल अपना फुल पावर दिखा रहा है। चलोगे तो सड़के गर्म, बैठोगे तो कुर्सी गर्म, लेटोगे तो खटिया गर्म, खड़े होगे तो दीवारें गर्म, खाओगे तो खाना गर्म, जाओगे तो पैखाना गर्म, चारों तरफ गर्मा गर्म, साथ लोगे तो हवा गर्म, साथ लोगे तो परेशानी, नहीं लोगे तो परेशानी। गर्म मौसम की वजह से अच्छे भले ठंडे मिजाज वाले आदमी का दिमाग भी गर्म, भेजा भी गर्म। आजकल गर्मी इतनी जोर से पड़ रही है कि दिन के टाइम रोड ऐसे खाली पड़े हैं जैसे कि कोरोना में कर्फ्यू के टाइम खाली पड़े होते थे। सरकारें पूछ रही हैं कि आजकल क्या चल रहा है। जनता का कहना है गर्मी चल रहा है गर्मी, जिसे देखो उफरे गर्मी, हाय रे गर्मी, गर्मी गर्मी गर्मी। और मौसम विभाग वाले ये बोलकर और डरा रहे हैं कि थोड़े दिनों में और गर्मी बढ़ने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये गर्म हवाएं पड़ोसी मुल्कों से आ रही हैं, उन्होंने ही छोड़ा है गर्म हवाएं। इन गर्म हवाओं को और कहीं जगह नहीं मिली थी, इधर ही आना था। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। गर्मी की वजह से लोगों का और रोडों का बहुत बुरा हाल है। दोपहर के टाइम लोग दुबक कर घर में बैठे रहते हैं। बाहर निकलो तो लगता है कुदरती कर्फ्यू लग गया है। सूरज की किरणें गोली की तरह लगती है शरीर पर। लोग पसीने में लथपथ लथपथ अग्निपथ अग्निपथ कर रहे हैं। खास करके औरतों का मुंह देखने लायक होता है। मेकअप करके घर से निकलती हैं और पहुंचते पहुंचते मेकअप पसीने से धो जाता है, जिसके बाद मुंह डरावना सा लगता है। जो सर्दी के मौसम में तरोताजा दिखते थे, गर्मी के मौसम में वो बासी रोटी की तरह दिख रहे हैं। उनके होंठ तो सूखे पत्ते जैसा सुगड़े हुए नजर आते हैं। घड़ी घड़ी गर्मी में प्याज के मारे गला सूखा जा रहा है। गन्ने के जूस के दुकान के पास चींटियों से ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। गन्ने का जूस पीने के बाद जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं और अगले ठेले पे नींबू का रस देखते हैं, उन्हें दोबारा से प्यास लग जाता है। और नींबू का शरबत पीते ही जैसे ही अगले ठेले पर आइसक्रीम देखते हैं, फिर से उन्हें प्यास लग जाता है, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको आइसक्रीम भी लेना पड़ता है। ऐसा करते करते लोगों का जेब खाली और पेट भारी हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के कपड़े कम होते जा रहे हैं। कोट पैंट वाले कुर्ता पहनने लगे हैं, और कुर्ता पहनने वाले शर्ट पहनने लगे हैं, और पैंट पहनने वाले बनियान पहनने लगे हैं, और बनियान वाले चड्डी पहन के घूमने लगे हैं, और चड्डी वाले तो नंगे घूमने लग गए हैं गर्मी के कारण। और जो नंगे लोग थे वो राख बन चुके हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आजकल लोग घर से ऐसे मुसीबत निकल रहे हैं कि ये नहीं पता चल रहा है कि गर्मी से बच रहे हैं कि कर्जदारों से बच रहे हैं। थोड़ी भी छांव कहीं दिखती है तो लोगों की भीड़ वहां जम जाती है। जो लोग 10-10 दिन तक नहीं नहाते थे, वो लोग भी दिन में 2-2 बार नहा रहे हैं। स्विमिंग पूल में लोग पानी के बाहर का सर नहीं निकाल रहे हैं, लोग घंटों नहा रहे हैं वहाँ पे। 9 बजे के बाद जैसे ही धूप तेज हो रही है, सड़कों पे सन्नाटा छा जाता है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुंह को छिपाकर, आंखों को चश्मा लगाकर, सिरों पर टोपी लगाकर निकल रहे हैं। ये सब लोग धूप लू और गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं, मगर पुलिस इन लोगों को लुटेरा समझकर जेल में बंद कर रही है। गन्ना नींबू संतरा अनानास नारियल का जूस का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी की वजह से लोग गर्म जोशी से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे दोस्त जो मिलते ही हाथ मिलाते थे और खुशी से गले मिलते थे, वो दूर से ही नमस्ते करके निकल जाते हैं। लाइट चली गई, उठकर बाहर निकलो, लाइट चली गई है। अरे बाप रे, मिसाइल गिर गया क्या? लगता है हमला हो गया, हमला। अरे नहीं यार, लगता है ना कि भूकंप आ गया है। देख चल, तो सब लोग घर से बाहर आ रहे हैं। देख देख, कुछ लोग ना लाइट जाने के बाद ऐसे घर से बाहर भागते हैं ना कि जैसे भूकंप आ गया हो। देखो उधर देखो, कैसे भाग रहे हैं। अरे गब्बुआ, क्या हो गया रे, क्यों ऐसे भागा जा रहा है, क्या हुआ? ट्रांसफार्मर बच गया, ट्रांसफार्मर अपने एरिया का ट्रांसफार्मर फट गया है। बढ़िया है बेटा, क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? आपके यहाँ तो लाइट है चचा, देखो एक खंबे पे लाइट जल रहा है आपका। अरे भक्सोनर, ये लाइट सूर्य ऊर्जा से जलता है, इतना भी नहीं पता है तेरे को का? सूर्य ऊर्जा? सूर्य ऊर्जा, ये कौन सा ऊर्जा है यार? अरे सूअरों की तरह मुंह क्या बना रहे हो? सौर ऊर्जा, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं मेरे बाबा। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, अगर सच में भूकंप आ जाए तो आप भागोगे कि नहीं? अरे इस उम्र में भाग के कहाँ जाएंगे, वैसे ही 2-4 दिन के मेहमान हैं, भागने दौड़ने से क्या फायदा होगा? एक बात बताएं, जरा बकैती ना झाड़ो यहाँ पे, नहीं तो एक मिनट लगेगा, तुम सबको भगा देंगे, पहले बता दे रहे हैं। अच्छा बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे ये ठंडा वाला पाउडर है क्या? थोड़ा लगा लेता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। ही हाँ
देख जल्दी देख पाउडर मेरे बाबा का। देख मेरे मांगने पर नहीं देते हैं, तू कैसे उठा लिया? दे रे मनु, देख जल्दी देख, बाबा पूरा जोश में लग रहे हैं, उठा के पटक देंगे। देखो ये लीजिए अपना पाउडर, रख दिया हूँ। अरे सुनोखन, लगता है बाबा को दौरे पड़ते हैं यार। अरे यार ये गर्मी तो जान लेके मानेगी यार, और ऊपर से लाइट वाले मेन टाइम पर ही लाइट काट देते हैं, वैसे ही इतनी गर्मी लग रही है और ये लाइट काट दिए हैं। तू सच बोल रहा है यार, ये गर्मी मार डालेगी, नहीं जीने देगी हम लोगों को। इस दुनिया का क्या होगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, लगातार गर्मी बढ़ रही है यार। सही बोल रहा है यार, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ ना तो 10 गिलास पसीना निकल जाता है। क्या हो गया रे राजू, बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है तू। अरे यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है, गर्मी के मारे तो हालत खराब हो रही है। हाँ यार राजू, तू सही बोल रहा है, एक तो इतनी गर्मी लग रही है और ना ही हवा चल रहा है, ना ही पत्ता हिल रहा है। तो जाओ ना यहाँ से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर। अरे यार ये गंजा कभी नहीं सुधरेगा, पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। और क्या, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने सुना तुम लोगों ने अपने घर में ऐसी टैसी लगवाया है जिससे तुम लोग ठंडा हवा खाते हो, तुम लोगों को गर्मी नहीं लगती है। अब यहाँ क्या लेने आए हो, जाओ वहाँ। ऐसी टैसी? बाबा मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपके इस गंजे को ना एक बार तालाब के पास बहुत मार मारा था, पूछ लो अगर विश्वास नहीं है तो। इसको तो मैंने भी एक बार बहुत ज्यादा मारा था, भंडारे में प्रसाद बट रहा था और प्रसाद के लिए इसने मेरे से लड़ाई कर लिया था, तो मैंने बहुत मार मारा था इसको। ओए ओए ज्यादा ना बोलो, उठा के ऐसे पटकूंगा ना एक मिनट में सबके सब बिखर जाओगे, तुम लोगों को पता भी नहीं है मैं मारता कम हूँ घसीटता ज्यादा हूँ। क्या यार तुम लोग गवारों की तरह लड़ने रखते हो, वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा करो सभी लोग 10-10 रुपए मिलाओ और मुझे दो, मैं फ्रूटी लेके आता हूँ ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड। अरे तू फ्रूटी पिएगा, औकात है तेरी, जिंदगी भर तेरे घर वाले 1 रुपए की पाइप लेके देते थे पेप्सी के नाम पर। तेरे घर वाले तुझे अमृत पिलाते थे ना, सब जानते हैं, संतरे वाली टॉफी के सिवा तेरे घर वाले तुझे कुछ भी लेके नहीं दिए आज तक, वही चूसता था बैठ के। फिर से तुम लोग लड़ो मत यार, वैसे ही गर्मी के मारे मरा जा रहा हूँ और ये लाइट भी नहीं आ रही है, क्या बताऊँ जिंदगी खराब हो गई है मेरी, जिंदगी जंद हो गई है। अरे यार गर्मी इतनी भी बकवास नहीं है, इसके भी अपने फायदे हैं। गर्मी के फायदे, क्या बोल रहा है यार तू? और क्या, तू जितना गर्मी को गलत समझ रहा है ना उतना है नहीं, ये जो पसीना निकल रहा है ना गर्मी से, बाद में देखना ठंडा होगा तो कितना मजा देगा। धूप में अगर खिड़की से हाथ बाहर निकालो तो हाथ काला, पैर बाहर निकालो तो पैर काला, मुंह बाहर निकालो तो मुंह भी काला, और खुद बाहर निकल जाओ तो पूरा शरीर काला हो जाता है। गर्मी में जब पसीना आने के बाद ना हवा का झोंका लगता है ना तो आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। अरे पागल हो गया है मोनू लगता है गर्मी से, इलाज करवाओ यार इसका। मेरे घर वालों को ना इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि हमारे यहाँ खाने में रोटी के साथ बर्फ का टुकड़ा मिलता है, बर्फ रगड़ रगड़ कर हम खा जाते हैं। चलो 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 च